घर पे बनाए हुए गरम मसाले पाउडर का टेस्ट ही कुछ और होता है। तो आज हम इस पाउडर के साथ बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी, जिसे आप अक्सर जाके बड़े बड़े होटलों या फिर रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो आज हमने बनाया है मिक्स वेज की सब्ज़ी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से और घर के इजी मसालों में बन के तैयार हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशा की प्यारी रसोई में। और आज हमने बनाया मिक्स वेज की सब्ज़ी बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल निशा की प्यारी रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। इसे बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली जिसको पहले ही हमने काट रखा था। आलू है, फूल गोभी है, शिमला मिर्च, गाजर, मटर और हमने पनीर भी लिया है। तो इनको हमने चौड़े चौड़े शेप में काट लिया है, ना बहुत ज़्यादा बारीक या फिर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटा है, मीडियम शेप में काटा है। तो इन सभी सब्जियों को हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे सब्जियों को फ्राई करते वक्त, जिससे इसमें क्रंचीनेस इसका बना रहे। अगर आप मीडियम फ्लेम पे या फिर लो फ्लेम पे सब्जियों को फ्राई करते हैं तो इसका क्रंचीनेस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम सभी सब्जियों को हाई फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने गोभी डाला है। ये देखिए फ्रेंड, गोभी हमारी काफ़ी अच्छे से फ्राई होगी, तो हम निकाल लेते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा इसे लाल भी नहीं करना है, नहीं तो सब्जियों में कलर इसका चला जाता है। तो हम हल्का ही रेड करेंगे इसे और इसे हम निकाल लेते हैं। और इसके बाद हमने आलू को डाल देंगे। आलू को भी हम अच्छा गोल्डन फ्राई होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और इसके बाद डाल देंगे हम अपना पनीर फ्राई होने के लिए। ये देखिए पनीर को भी हमने डाल दिया फ्राई होने के लिए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसमें, बस हल्का सा कलर चेंज करना है और इसका जो मॉइस्चर होता है, जो पनीर में पानी होता है, उसे बस ख़त्म करना है। जब तक पनीर हमारा फ्राई हो रहा है तब तक हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने लिया 2 चम्मच खड़ा धनिया और 3 बड़ी इलायची ली। इसमें हमने 4 से 5 हरी इलायची, जिसे आप छोटी इलायची भी कहते हैं, और 2 दालचीनी के टुकड़े। और यहाँ हमने 2 स्टार फ्लावर लिया है। और इसके बाद हमने लिया है दालचीनी, लौंग और काली मिर्च के 8-10 दाने। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। और इन सभी मसालों को हम धीमी आंच पे भून लेंगे। इन मसालों को भूनने से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। हमें तब तक भूना जब तक इसमें से हल्की हल्की खुशबू ना आए। हमें इन्हें ओवर रोस्ट भी नहीं करना है, नहीं इनके फ्लेवर चले जाएंगे। तो हमें स्लो आँच पर ही इसे हल्का भून लेना है। मसाले हमारे भून चुके हैं और इधर पनीर भी हमारी फ्राई हो गई, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और पनीर को निकालने बाद अपना गाजर और शिमला मिर्च फ्राई कर लेंगे। सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे हम तेज़पत्ता। और इसके बाद डालेंगे हम 2 चम्मच कूटी हुई मिर्च और अदरक का पेस्ट। इसे हमने ग्राइंड नहीं किया है, इसे हमने कूटा है। और अगर आपको हलवाई वाला टेस्ट चाहिए, ढाबा टाइप का टेस्ट चाहिए, तो आप बिल्कुल भी इसे ग्राइंड ना करें, बारीक ना पीसें, हल्का दरदरा इसे कूट लें। इसे अदरक और हरी मिर्च का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च ली थी और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको काफ़ी अच्छे से मैंने खलबट्टे में कूट लिया था। तो हम इसमें जितने मसाले ऐड किए हैं हमने किसी चीज़ को पीसा नहीं है। और ये प्याज भी देखिए मैंने हल्का ददरा ही किया है, बहुत ज़्यादा इसको पेस्ट नहीं बनाया है। इसी तरीके से आप भी रखिए, इसमें काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा गोल्डन हल्का हो गया है, अपना कलर चेंज कर चुका है। इसमें हम 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से मैसी होने तक पकाएंगे। इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जिससे कि टमाटर हमारे जल्दी पक जाएं। और इसमें हम डालेंगे हल्दी, हल्दी पाउडर 1 चम्मच डालेंगे हम। इसमें बहुत ज़्यादा मसालों को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने मसाले पहले से तैयार करके रखे हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इनको हम अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ ही, जब तक कि टमाटर हमारा अच्छे से ना गल जाए। और इसके अलावा हम कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने मसाले पहले से तैयार करके रखे हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं मसालों के साथ हम इन सब्जियों को बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी सब्जी बनेगी और आपको एक्स्ट्रा किसी प्रकार के मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम डाल देते हैं अपने हरे मटर, जिसको हमने पहले से छील के रखा हुआ था, और इसको भी हम मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमारा टमाटर काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तब इसमें हम डाल देंगे हमारे पीसे हुए मसाले, जिसमें पानी डाल दिया था और जिससे काफ़ी अच्छे से फूल गए ये। तो इसको अब हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जब तक इसमें से तेल सेपरेट ना हो जाए। आप जितना इसको अच्छे से भूनेंगे उतना ही फ्लेवर इसका निकल के आएगा।
तो गैस की फ्लेम इसमें मीडियम टू स्लो ही रखें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना भूने मसाले को, नहीं ये जल सकते हैं। तो इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए काफ़ी 3 से 4 मिनट के बाद मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे। मसालों को भूनने में कुल समय हमें कम से कम 7 से 8 मिनट लगा है, क्योंकि हमने काफ़ी स्लो फ्लेम पर भुना है। और ये देखिए हमारे मसाले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तब इसमें हम अपनी सब्जियों को ऐड कर देते हैं जो हमने पहले से फ्राई करके रखी है, और इन्हें हम अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे मसाले और सब्जियां आपस में काफ़ी अच्छे से मिल जाएं, इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और इन्हें काफ़ी अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि ये देखने में लग रही है बिल्कुल ही बड़े होटलों या फिर रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल सब्जी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बिल्कुल भी पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये। तो इस तरीके से मिलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट के लिए और भून लेंगे सब्जियों को। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये देखिए मसाले काफ़ी अच्छे से सब्जियों के ऊपर कोटिंग कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। तब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी, जिससे कि हमारी सब्जियां और अच्छे से ग्रेवी इसकी और अच्छी हो जाए। और उसके बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर सब्जी हमारी तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी तैयार है। इसमें मैंने हरी धनिया और कसूरी मेथी भी डाली है फ्रेंड्स, वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और ये देखिए हमारी काफ़ी सब्जी अच्छी बन के तैयार हो गई है। इसे आप गर्मा गर्म पराठों के साथ या फिर रोटी के साथ, नान के साथ परोसिए, काफ़ी अच्छे लगेंगे यार। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी गर्मा गर्म सब्जी बन के तैयार है। तो अगर आपको हमारी ये मिक्स वेज की सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारी वीडियो और भी आगे तक लोगों तक पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल निशा करें उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।